Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. This is the first ever styling video on my channel. Please watch out this video if you want to know how to style a skirt in different ways. This is my first look, and if you're going to an office party, then you can wear this outfit and wear white shoes ke saath pehna hai. And this is the look. Oxidized jewelry pehna hai, and this loop earrings. So aap dekh sakte hain iske andar maine bahut light makeup kiya hai, and maine nude lipstick lagaya hai, and eyes pe bilkul makeup nahi kiya hai, sirf base lagaya hai and thoda sa blush and highlighter lagaya hai. तो अगर आप छोटे मोटे किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर अपने ऑफिस पार्टी में जा रहे हैं तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, आप अगर ये इसको थोड़ा बंद करके पहनना चाहते हैं तो इट विल लुक गुड. सो ये कुछ तरह का दिखेगा, और यू कैन कैरी योर बैग लाइक दिस इफ यू वांट टू. So this is the first outfit. That is it. So this is my second look, and ये मैंने skirt, same skirt पहना है plain top के साथ off shoulder, and ये मैंने slip-ons के साथ पहना है. This is also the casual look, and ये मैंने slim back carry किया है. सेम मेकअप है, बस मैंने लिपस्टिक थोड़ा अपने टॉप के साथ का लगाया है, थोड़ा डार्क लिपस्टिक किया है. सो दिस इज द नेक्स्ट लुक, एंड सेम स्कर्ट बट मैंने इसको ब्लैक टॉप के साथ पेयर किया है. दिस इज द बैग, स्मॉल बैग. मैंने रखा है आईस्क्रीम को मेकअप किया है, लिपस्टिक भी सेम रखा है. आप चाहे तो थोड़ा और डार्क लिपस्टिक लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. मैंने इसको हील्स के साथ पेयर किया है, एंड इसके साथ स्टड्स पहने हैं, ब्लैक स्टड्स. आप चाहे तो और थोड़े बड़े पहन सकते हैं बट मुझे लगा कि ये ज्यादा इसके ऊपर जाएंगे छोटे इयररिंग्स. एंड हेयर ओपन किए हैं, एंड दिस इज द लुक. This is the next look. अगर आप किसी के छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं या फिर आप किसी फ्रेंड के या वेडिंग में जा रहे हैं तो यू कैन क्रिएट दिस लुक. एंड मैंने ये ट्रेडिशनल झुमका, ऑक्सीडाइज झुमका पहना है, झुमका पहना है. मैंने ये जयपुरी एकदम ट्रेडिशनल बैग कैरी किया है साथ में, एंड ये दिस बैंगल्स मैंने पेयर किए हैं. मैंने इसके साथ जयपुरी जूतियां पहनी हैं, एंड मैंने आईज पे थोड़ा मेकअप बहुत थोड़ा डार्क कर लिया है. यू कैन सी मैंने आईज पे थोड़ा डार्क मेकअप किया है. सो जैसे कि थोड़ा पार्टी पार्टी वाला लुक लगे. एंड मैंने ये नेक में चोकर पहना है, वो इससे इसका लुक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है चोकर के साथ. सो इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी, स्मॉल पार्टी और मेहंदी वेहंदी के फंक्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ये पहन सकते हैं. सो मैंने इसके साथ मैसी मैसी बन बनाया है ये पीछे, एंड आप चाहे तो ओपन हेयर भी रख सकते हैं बट मुझे लगा बांध के थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, हेयर टाइप करके थोड़े ज़्यादा अच्छे लगेंगे. सो दिस इज अ प्रॉपर वेडिंग लुक, एंड मैंने इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में दिस पिंक कलर का दुपट्टा वेयर किया है. एंड अगर आपके पास कोई भी डार्क शेड का दुपट्टा है पार्टी वेयर तो आप वेयर कर सकते हैं उसके साथ. एंड
एंड मैंने हील्स में दिस प्लेन कलर के हील्स पहने हैं, पेंसिल हील्स, एंड ये मैंने प्रॉपर बैंगल्स पहने हैं. ये मैंने थोड़ा अपना मेकअप भी थोड़ा डार्क किया है, आईलाइनर लगाया है, एंड मैंने लिपस्टिक थोड़ा डार्क किया है, पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया है थोड़ा मैचिंग करने के लिए, एंड मैंने दुपट्टा थोड़ा इस टाइप से इसके साथ पेयर किया है. एंड दिस इज तो आप इसके साथ थोड़ा और हैवी मेकअप कर सकते हैं अगर आप नाइट के किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वेडिंग में जा रहे हैं. मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट मेकअप या हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, तो मैंने इसलिए थोड़ा लाइट मेकअप भी रखा है. बस मैंने लिपस्टिक थोड़ा डार्क किया है, तो आप चाहें तो थोड़ा और अपना बेस थोड़ा और कर सकते हैं, हैवी मेकअप कर सकते हैं. आप इसके साथ मांग टीका लगा सकते हैं, मेरे को मांग टीका ज्यादा सूट नहीं करता है जिसलिए मैंने नहीं लगाया है. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो दैट इज इट, बहुत जल्दी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेडिंग सीजन एंजॉय करिए. वैसे तो कोरोना चल रहा है, ज्यादा वेडिंग में जाना सेफ नहीं है, बट ठीक है अगर आपके घर में वेडिंग है या बहुत क्लोज कहीं पे वेडिंग है तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज इट, बाय बाय, हैव अ गुड डे. मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लगा. बाय बाय.